केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा है कि देश में कृषि क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं की कमी है, लिहाजा कटाई के बाद खाद्यान्नों और कृषि उत्पादों की काफी बर्बादी होती है। उन्होंने कहा कि खुदरा बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आने से कृषि में बुनियादी ढांचा बेहतर करने में मदद मिलेगी और इसका फायदा किसानों और उपभोक्ताओं को मिलेगा। वो सर्विसिंग लॉसेस ही देश में ज्यादा है, किसानों के खेत में जो पैदावार होती है वो कंज्यूमर के घर पर जाने समय जो रास्ते में नुकसान होता है, क्योंकि हमारी चेन जो है कोल्ड चेन वो अच्छी नहीं, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है और FDI आने के बाद ऐसे काम के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी जिसका फायदा किसानों को हो जाएगा। मौजूदा खरीफ सत्र में खाद्यान्न उत्पादन के पहले अनुमानों के मुताबिक मानसून के देर से आने के बावजूद खरीफ में 117 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होने की उम्मीद है। खरीफ में चावल का उत्पादन 85 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। खरीफ सत्र में 117.18 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है, जो कि पिछले साल के उत्पादन से कम है लेकिन 5 सालों के औसत से ज्यादा है। शरद पवार ने बताया कि मानसून में सुधार के बाद बारिश में सामान्य से मुकाबले अब केवल 5% की कमी ही रह गई है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मौजूद है और कीमतों के बढ़ने का कोई कारण नजर नहीं आता। शैलेंद्र मिश्र, DD News, दिल्ली।